सपा सरकार ही सिर्फ किसानों की हितैषी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह जनवादी पार्टी। मैलानी लखीमपुर खीरी। जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह ने मैलानी क्षेत्र के गंगापुर गांव में पहुंचकर लोगों की जन से जनसंपर्क किया, साथ गांव की समस्याओं व विकास कार्यों को भी देखा। साथ ही उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी ही पहले भी किसानों की हितैषी रहकर किसान कल्याणकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने का काम किया तथा मौजूदा सरकार में बढ़ते डीजल व पेट्रोल के दामों को देखते हुए किसानों को उनकी फसलों का पूरा समय पर मूल्य न मिल पाना यह मौजूदा सरकार के लिए आलोचना का विषय है। निरंतर बढ़ती महंगाई ने किसानों व मध्यम वर्ग व मजदूर तबके के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। साथ ही उन्होंने आने वाले आगामी चुनाव में सपा सरकार भारी मतों से जीत हासिल करेगी। सपा नेता नरेश यादव अनीता ने जनता की समस्याओं को सुनकर चाहे वह विकास की हो चाहे किसी की व्यक्तिगत समस्या, इन्होंने सरकार तथा न होने पर भी हर एक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान किया। कभी ऊंच नीच जातिवादी की कोई बात नहीं समझी, सिर्फ और सिर्फ जनता की समस्याओं का समाधान करते आए हैं तथा आने वाले समय में जनता की समस्याओं का निराकरण करना ही इनका उद्देश्य है। इस मौके पर नरेश यादव अनीता यादव सहित तमाम सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लक्ष्मीकांत, जिला ब्यूरो लखीमपुर खीरी की खास खबर। गठबंधन कब तक है? हमारा गठबंधन 2019 में जो सपा बसपा का महागठबंधन बना था, दो दल और थे लोकदल और तुम्हारी पार्टी, और हमारे पार्टी को भी उस महागठबंधन में एक सीट मिली थी चंदौली लोकसभा, जहाँ से मैं महागठबंधन का प्रत्याशी था और 511,000 वोट पाया था। जबरदस्ती मुझे 5,000 वोट से भाजपा सरकार ने हराया। तो आज हमारा गठबंधन कोई नया नहीं है, हमको 2019 से अखिलेश जी बराबर बोलते हैं कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, हमारा गठबंधन छोटे पार्टियों से रहेगा और उसमें हमारा दल और केशव चंद्रा का दल पहले से ही हम लोग साथ चल रहे हैं। सर, आने वाले में आपकी पार्टी जो है युवाओं के लिए क्या? निश्चित तौर पर उनको लोग समझ रहे हैं 2022 में सरकार बनाते हैं। साथ ही साथ किसानों के लिए आपकी जो है सरकार क्या कर सकती है? किसानों के लिए जितना मजबूती से काम समाजवादी कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता, और किसानों के हित के बारे में जो समाजवादी सोच सकते कर सकते हैं वह किसी विचारधारा किसी पार्टी के पास नहीं है। निश्चित तौर पर उनको लोग समझ रहे हैं 2022 में सरकार बनाते हैं। साथ ही साथ किसानों के लिए आपकी जो है सरकार क्या कर सकती है? किसानों के लिए जितना मजबूती से काम समाजवादी कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता, और किसानों के हित के बारे में जो समाजवादी सोच सकते कर सकते हैं वह किसी विचारधारा किसी पार्टी के पास नहीं है। धन्यवाद।